राजधानी देहरादून में सुभाष रोड स्थित वैंक्विट हॉल में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में करीब हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि आज महिलाएं 2014 के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काफी बढ़ा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज देहरादून में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें अलग अलग पूरे जिले से तो आई ही, लेकिन आसपास के भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से महिलाएं आई हैं। और महिला सम्मेलन इसलिए किया गया क्योंकि सबसे जब हमने पूछा, और जब हम ग्रामीण जगह भी जाते हैं वहाँ भी पूछते हैं कि आप किस पर भरोसा करते हैं, अगर आप एक बार एक महिला को कहेंगे तो शायद वो अपने परिवार के व्यक्ति के बजाय वो नाम लेती है केवल प्रधानमंत्री जी का, वो नाम लेती है मोदी जी का। आज भी हमने महिलाओं से सवाल किया कि आपको किस पर भरोसा है, तो उन्होंने कहा मोदी जी पर भरोसा है। बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है देहरादून में, और हम लोग इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं कि सभी को, सभी बहनों को, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं इस देश में और हमारे राज्य में भी, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। आज आप लोग देख रहे हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनें जिस तरह से आर्थिक रूप से